हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हम लोगों ने लास्ट एक्सरसाइज है वो कंप्लीट की थी। उसमें हमने 1 to 5 तक के सेंटेंस है वो लिखे थे। सर्कल द करेक्ट ऑप्शन, जो लेसन नंबर 12 में हम लोगों ने इंग्लिश ग्रामर की बुक जो थी हमारी उसमें हमने कंप्लीट किया था। अब नेक्स्ट हमें जो कंप्लीट करने हैं 5 के बाद से, तो वही एक्सरसाइज है सर्कल सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन कंप्लीट इन ग्रामर बुक, इसमें कंप्लीट करने हैं। यानी कि जिसमें हम लोगों ने जो हमारी 5 नंबर की बुक थी, ग्रामर बुक नंबर 5, जिसमें हम लोगों ने 1 से लेके 5 तक सेंटेंस है वो लिखे थे सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। उसके नीचे हमें लिखना है 6 नंबर हमें लिखना है। Children am या are playing at the playground. Children M are playing at the playground. यानी कि इधर children एक नहीं है, बहुत सारे children है। Children M या are playing at the playground. तो इधर children है वो एक नहीं, एक से ज्यादा है, एक नहीं बट एक से ज्यादा children है। तो एक से ज्यादा चीजें हो तब, यानी कि एक से ज्यादा बच्चे हैं तो एम आएगा या आर आएगा, तो उसके साथ क्या आएगा? अगर चाइल्ड दिया होता तो एक ही होता, बट इधर हमें चिल्ड्रन दिए हैं यानी कि एक से ज्यादा है, तो आंसर क्या आएगा? आर आएगा। चिल्ड्रन आर प्ले एट द प्ले ग्राउंड, क्या आंसर आएगा? आर आंसर आएगा। 6 नंबर है यू आर अ स्ट्रॉन्ग बॉय।
नंबर में क्या आंसर आता है, आर आता है, यू इधर यू दिया है, यू के साथ हमेशा क्या आता है, यू के साथ हमेशा आर ही आता है, तो यू आर अ स्ट्रॉन्ग बॉय, यू आर अ स्ट्रॉन्ग बॉय। सेवन नंबर में दिया है चिल्ड्रन आर प्लेइंग एट द प्ले ग्राउंड, चिल्ड्रन आर प्लेइंग एट द प्ले ग्राउंड। नेक्स्ट नंबर हमें दिया है एट नंबर दिया है द टीचर standing standing in front of the test। तो इधर एक ही टीचर की बात हो रही है, द टीचर इज एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द डेस्क। तो आंसर क्या आएगा, इधर टीचर है वो कितनी है, एक है या एक से ज्यादा है, तो एक ही टीचर है। अगर इधर लास्ट में एस नहीं दिया है, अगर एस दिया होता तो आर आता, अगर एस नहीं दिया है तो आंसर क्या आएगा, इज आएगा, द टीचर इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द डेस्क। तो आंसर क्या आएगा, इज आएगा, आंसर क्या आएगा, इज आएगा। तो हमें इस पर क्या करना है, सर्कल करना है। नंबर में हमें क्या दिया है, सिक्स नंबर में हमें दिया है यू आर अ स्ट्रॉन्ग बॉय। तो इधर यू है इसलिए आंसर उसके साथ क्या आएगा, आर आएगा। नेक्स्ट सेवन नंबर में दिया है चिल्ड्रन आर प्लेइंग एट द प्ले ग्राउंड, यानी कि चिल्ड्रन दिया है, इधर चिल्ड्रन है यानी कि बहुत सारे बच्चे हैं, तो उसके साथ आर आएगा। अगर चाइल्ड होता तो एक इजी आता, और इधर चिल्ड्रन दिए है तो आर आएगा, चिल्ड्रन आर प्लेइंग एट द प्लेग्राउंड। एक नंबर में दिया है द टीचर इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द डेस्क।
डेस्क, यानी कि टीचर है वो डेस्क के आगे फ्रंट ऑफ यानी कि आगे खड़ी है, तो आंसर आएगा टीचर है वो एक ही है, एक से ज्यादा नहीं है, एक ही टीचर है, इसलिए आंसर क्या आएगा इज आएगा। तो इधर लेसन नंबर 12 है वो हमारा इज एम आर है वो कंप्लीट होता है। ये जो एक्सरसाइज है वो आपको इंग्लिश ग्रामर की बुक नंबर 5 में ये कंप्लीट कर लेना है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं लेसन नंबर 13। लेसन नंबर 13 है वो हमारा इज एम आर प्लस आईएनजी, इज एम आर प्लस आईएनजी, यानी कि हम लोगों ने लेसन नंबर जो 12 में इज एम आर सीखा था उसके साथ अब प्लस आईएनजी क्या करना है, प्लस आईएनजी, प्लस आईएनजी है वो कहां पर ऐड होता है वो हमें सीखना है लेसन नंबर 12 में। तो पहले तो मैं आपको आईएनजी है वो कहां पर ऐड करना है वो सिखा दूं। पहले हम रिपीट कर लेते हैं कि इज है वो हमें कहां पर यूज करना है, इज है वो हम कहां पर यूज करते हैं जब हमें ही शी इट दिया हो तब हम क्या यूज करते हैं, इज है वो यूज करते हैं। दीज दिया हो, दैट दिया हो तब हम क्या यूज करते हैं, इज है वो यूज करते हैं। आर कहां पर यूज करते हैं जब एक से ज्यादा चीजें हो तब हम क्या यूज करते हैं, आर। तो दीज के साथ, दोस के साथ, दे के साथ, देर के साथ, बी के साथ, यू के साथ हम क्या यूज करते हैं, आर यूज करते हैं। एम के साथ क्या यूज करते हैं, आई यूज करते हैं, आई एन। प्लस अब हमें आईएनजी, आईएनजी कब ऐड करना है अब हमें वो सीखना है। ये तो आपको मैंने बताया था लेसन नंबर 12 में भी हम लोगों ने सीखा था, इज है वो ही शी इट दिस एंड दैट दिया हो तब यूज करना है, यानी कि जब ये सिंगुलर चीजें हो तब यूज करना है आर, जब प्लूरल हो यानी एक से ज्यादा हो दिस दोस दे देयर वी एंड यू हो तब हमें क्या यूज करना है, आर यूज करना है। एम, एम है वो हमें आई के साथ ही यूज करना है, ये मैंने आपको लेसन नंबर 12 में ही बताया था। अब हमें आईएनजी कहां पर यूज करना है उसके साथ प्लस अब हमें आईएनजी यूज करना है, तो आईएनजी है वो हमें कहां यूज करना है, तो वी एड, वी एड आईएनजी, वी एड आईएनजी टू doing word, doing words to show, to show that
to show what a person animal or things. यानी कि हमें आईएनजी है वो कहां पर ऐड करना है, आईएनजी है वो हमें अभी वर्क जो हम कर रहे हैं, यानी कि मैंने बोर्ड पे लिखा राइट तो राइटिंग, रीड तो रीडिंग, तो आईएनजी लगता है लास्ट में, तो वी एडेड आईएनजी टू तो वी एडेड आईएनजी टू डूइंग वर्क टू शो व्हाट अ पर्सन एनिमल और थिंग इज डूइंग राइट नाउ, यानी कि कोई भी पर्सन यानी कि कोई व्यक्ति एनिमल और थिंग इज डूइंग राइट नाउ, अभी वो व्यक्ति या एनिमल या कोई चीज है वो क्या कर रही है वो बताने के लिए हमें क्या करना होता है, इसमें आईएनजी ऐड करना होता है. वी एडेड आईएनजी टू डूइंग वर्ड, यानी डूइंग वर्ड कौन से होते हैं मैंने आप लोगों को बताया था कि डूइंग वर्ड में डूइंग वर्ड कौन से हैं, तो ईट, सेकेंड रीड, प्ले, स्विमिंग, जंपिंग, प्लेइंग, तो ये सब हमारे कौन से वर्ड है, डूइंग वर्ड है. डूइंग वर्ड में ईट, रीड एंड प्ले थ्री वर्ड दिए हैं हमें, तो पहले तो हमें डूइंग वर्ड पता होना चाहिए कि डूइंग वर्ड है वो क्या होता है. डूइंग वर्ड जो वर्क हम करते हैं या हमारे जो होता है उससे हम क्या बोलते हैं, डूइंग वर्ड बोलते हैं. यानी कि हम जो बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सब कौन से वर्ड है, डूइंग वर्ड है. लिसन तो वो डूइंग वर्ड है, स्पीक तो वो भी डूइंग वर्ड है. तो इधर हमें दिया है वी ए
आईएनजी है वो हमें कहां पर ऐड करना है, टू डूइंग वर्ड। जब हमें कोई डूइंग वर्ड यानी कि कोई वर्ब जैसे कि ईट है, रीड है, राइट है, डूइंग वर्ड टू शो व्हाट अ पर्सन, वो पर्सन है वो क्या कर रहा है, एनिमल है वो क्या कर रहा है, और थिंग इज डूइंग और वो चीज है वो क्या कर रही है, तो राइट नाउ वो अभी क्या कर रहे हैं वो बताने के लिए हमें उसमें क्या ऐड करना होता है, आईएनजी ऐड करना होता है। तो जैसे कि हमें इधर दिया है ईट, तो उसमें हम ई ए टी ईट दिया है, उसमें अभी हम आईएनजी ऐड करेंगे, आईएनजी ईटिंग। तो अभी वो क्या कर रहा है, तो खा रहा है, ईटिंग, यानी आईएनजी लास्ट पे ऐड हुआ, इसमें आईएनजी ऐड हुआ ना लास्ट में, तो ईटिंग हो गया। नेक्स्ट हमें दिया है रीड, तो रीडिंग, इसमें आईएनजी यानी कि वो अभी ही रीड कर रहा है, तो उसमें आईएनजी ऐड हो गया, तो क्या कर रहा है वो अभी कर रहा है, प्ले, तो प्लेइंग, प्लेइंग, तो उसमें अभी आईएनजी ऐड हुआ है, यानी कि वो अभी कर रहा है। ये जो वर्क मैंने जिसपे आईएनजी लिखा है सर्कल किए है वो वर्क है वो अभी ही कर रहा है, यानी कि ईटिंग है वो अभी कर रहा है, रीडिंग यानी कि अभी स्टार्ट है, प्ले यानी कि वो अभी खेल रहा है। तो उसमें जो डूइंग वर्ड है, ईट है वो डूइंग वर्ड है, रीड है वो डूइंग वर्ड है, प्ले है वो भी डूइंग वर्ड है। तो डूइंग वर्ड में हम लोगों ने क्या ऐड किया, आईएनजी ऐड किया, किया आईएनजी ऐड, तो वी एडेड आईएनजी टू डूइंग वर्ड टू शो व्हाट अ पर्सन, यानी कि पर्सन है वो क्या कर रहा है, एनिमल और थिंग, यानी एनिमल क्या कर रहे हैं, थिंग यानी कोई चीज है वो क्या कर रही है, डूइंग राइट नाउ, राइट नाउ यानी कि वो अभी ही कर रहे हैं। तो जैसे कि डूइंग वर्ड मैंने लिखे ईट तो ईटिंग, रीड तो रीडिंग, प्ले तो प्लेइंग, यानी कि ये जो आईएनजी लगता है लास्ट में उसका मीनिंग ये है कि वो अभी कर रहे हैं। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि अगर हम आईएनजी ऐड करते हैं तो वो वर्क है वो अभी कर रहे हैं। सो वी एडेड आईएनजी टू डूइंग वर्क टू शो व्हाट अ पर्सन, एनिमल और थिंग इज डूइंग राइट नाउ, यानी कि वो व्यक्ति, वो एनिमल या कोई चीज है वो अभी क्या कर रही है, उसके लिए हमें जो डूइंग वर्ड यानी कि वो जो कर रहे हैं उसमें हम अगर आईएनजी ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, तो उसे हम बोलेंगे डूइंग वर्ड, यानी कि वो अभी ही कर रहा है, इसका मीनिंग वो होता है। जैसे कि हमें इधर एक सेंटेंस दिया है, तो वी आर स्टडिंग वी आर
studying. English. We are studying English. यानी कि वो लोग अभी English study कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं. तो इसमें last we are studying. तो इसमें last में क्या लगा? ing लगा. ing ऐड किया. Study. So study. तो वी आर स्टडी प्लस आईएनजी इंग्लिश, यानी कि वो लोग इंग्लिश पढ़ रहे, स्टडी कर रहे हैं. तो वी आर स्टडिंग इंग्लिश, तो इसमें आईएनजी लगा. यस, तो इसमें आईएनजी ऐड किया. तो वो अभी कर रहे हैं. क्या हुआ इसका मीनिंग? वो अभी ही कर रहे हैं. इसमें आपको एक सेंटेंस दिया है. ये सिर्फ आपके लिए एग्जाम्पल ही है. आई एम ई प्लस आईएनजी एंड आइसक्रीम. ये आपको एक सेंटेंस दिया है. आई एम ई प्लस आईएनजी एंड आइसक्रीम. तो इसमें अगर हम इसका आंसर लिखते हैं, तो आई एम ई प्लस आईएनजी एंड आइसक्रीम, तो उसमें ऐसे आएगा आई, फिर आएगा एम. इस प्लस को है वो हमें क्या करना है? एड कर देना है, यानी कि इसको निकाल देना है. तो क्या हो जाएगा? ईटिंग एंड आइस क्रीम. तो इस सेंटेंस में हमने क्या किया? इस सेंटेंस में जो हमें ये आईएनजी दिया था, ये आईएनजी दिया था, इसको हमने किसके साथ एड कर दिया? ईट के साथ. तो इसका आंसर क्या हो गया? ईटिंग हो गया. तो आई एम ईटिंग. चेक कर सकते हैं कि इधर आई एन जी एड हो गया है. आई एम ईटिंग एंड आइसक्रीम, यानी कि मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ. आई एम ईटिंग एंड आइसक्रीम, यानी कि मैं आइसक्रीम क्या कर रहा हूँ? खा रहा हूँ. ईटिंग यानी कि मैं अभी खा रहा हूँ. तो हमने आईएनजी को क्या किया? आईएनजी को क्या किया? हमने ऐड कर दिया. तो इसमें जो ईट, ये ईट वर्ड है, वो कौन सा वर्ड है? ये ईट वर्ड है, वो कौन सा वर्ड हुआ? डूइंग वर्ड. डूइंग वर्ड में हमने क्या ऐड किया? आईएनजी ऐड किया. तो इन दोनों को ऐड करके कौन सा वर्ड बना? ईटिंग बना. तो आई एम ईटिंग एंड आइसक्रीम, यानी कि जो हम लोगों ने ईट वर्ड दिया था डूइंग वर्ड में, उसमें आईएनजी ऐड किया, वो वर्ड उसका मीनिंग हो गया कि वो अभी खा रहा है. अगर हम कोई भी वर्ड अभी कर रहे हैं, तो उसमें अगर आईएनजी ऐड करते हैं डूइंग वर्ड में, तो वो वर्ड है वो कौन सा हो जाता है? डूइंग वर्ड हो जाता है. डूइंग वर्ड हो जाता है, यानी कि वो हम अभी कर रहे हैं. तो स्टूडेंट, जो बाकी की जो एक्सरसाइज है,
एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे. नाउ योर टुडेज होमवर्क. होमवर्क पे पेज नंबर 36 में दिया है. प्रैक्टिस. प्रैक्टिस से लुक एट द पिक्चर. लुक एट द पिक्चर. डूइंग वर्ड है उसमें हमें